Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss chapter number 18, pollution of air and water. Okay, pollution. Now what is pollution? The presence of unusually high concentration of harmful or poisonous substance in the environment is called pollution. Pollution kya hota hai? Pradushan. Matlab ki jab hamare environment mein जो हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उससे बहुत बढ़ जाती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड कहलाता है. मतलब वहाँ पे ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, वो हमारे एयर में वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसको कंटामिनेट कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं. इसी को हम पॉल्यूशन या प्रदूषण बोलते हैं. ओके, पॉल्यूशन कंटामिनेट्स द एयर एंड वाटर विथ पॉइजनस सब्सटेंस. ओके, सो पॉल्यूशन से क्या होता है, एयर और वाटर है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा हद तक वो ख़राब हो जाती है कि वो ह्यूमन बींग के लिए और अदर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हो जाता है. ओके, सो पॉल्यूशन तीन टाइप के हैं, मेनली सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जिसको और सॉयल पॉल्यूशन भी बोलते हैं, एंड वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन. ओके, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. मेनली अभी हम एयर और वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे चैप्टर में पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है. ओके, बाकी और भी टाइप के होते हैं पॉल्यूशन, सॉयल का पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत टाइप के होते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एयर जो है बहुत सारे उसमें मिक्सचर होते हैं गैसेस के, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन है एंड सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन होता है 21% और बाकी का जो 1% है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन एंड अदर गैसेस उसमें रहते हैं. ओके, जब नॉर्मल हमारी एयर है सो उसमें कोई पॉल्यूटेंट मिक्स नहीं है तो एयर की कॉम्पोजिशन ये रहती है. बट क्या होता है कि जब पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैस ऐड हो जाती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डस्ट, स्मोक. सो ये सारी उसमें मिक्स हो जाती हैं. हेयर इज़ द डायग्राम, इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हमारे एयर में होते हैं. सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो हरे वाला आपको ग्रीन रंग का दिख रहा है दैट इज़ नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है. पिंक वाला इज ऑक्सीजन एंड 1% जो है अदर गैसेस. ओके, अदर गैसेस है ये, OTHER. ओके, अदर गैसेस. नेक्स्ट, व्हाट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन अब होता क्या है, जो एयर है हमारी, द एयर ओवर लार्ज सिटीज कंटामिनेटेड विद हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट. हमारी जो सिटीज़ हैं उनकी जो एयर होती है वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, दूषित हो रही है. किससे? विद हार्मफुल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इन सबसे वो पॉल्यूट हो रही है और यही कंटामिनेशन जो एयर की होती है विद हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड डस्ट, इसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. ओके, एंड द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस इन द एयर मेक इट्स इम्प्योर और कंटामिनेटेड. मतलब कि जो सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस के कारण जो एयर है हमारी वो ख़राब हो रही है, दूषित हो रही है, इम्प्योर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट. ओके, सो मेजर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं हमारे, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं. ये सारे हमारे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं. जितना भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, चिमनी हैं, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो, उनसे ये बहुत धुआं निकल रहा है. सो ये क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन. नाउ हमारे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से बहुत अमाउंट में धुआं निकलता है जिसमें हार्मफुल गैसेज होती हैं और वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है. नाउ क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के. सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स, देन डैमेज टू एनवायरनमेंट, डैमेज टू प्रॉपर्टी, थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंजेस. ओके,
सो हेल्थ प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है। और थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर क्या होता है कि जब एयर पॉल्यूशन होता है सो उसके कारण जो हमारी एक ओजोन लेयर की परत है जो हमें बचाती है यूवी किरणों से, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। सो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेस से बचाने का काम करती है, बट एयर पॉल्यूशन के कारण वो उसकी थिनिंग हो रही है, वो पतली होती जा रही है, और उसी के कारण बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं। सो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के। नाउ एसिड रेन भी एक बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट है जो एयर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट है। द पॉइजनस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज रिलीज बाय द इंडस्ट्री और बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बाय द व्हीकल्स गो टू द एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूटेड। ओके, आप यहाँ से देख रहे होंगे पिक्चर में जो इंडस्ट्री है या व्हीकल्स हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब निकलता है और वो कहाँ पर जाता है, वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और ऊपर जाके जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये मिक्स हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होके सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जो हैं ये जब रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और धरती पर गिरते हैं किसके फॉर्म में, एसिड रेन, जो कि बहुत हार्मफुल है। सो एसिड रेन कैसे होती है, एज यू कैन सी हियर इन पिक्चर ऑल्सो, जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं दे गेट मिक्स विद द वाटर एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड्स बनते हैं और उसके बाद वो रेन वाटर में मिक्स होकर धरती पे गिरते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, मैनी फेमस बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट हमारी जो बिल्डिंग्स हैं लाइक ताजमहल, पार्थेनॉन, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये डैमेज हो रही हैं ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन क्रॉप्स के लिए भी अच्छी नहीं होती, अगर एसिड रेन हमारे अच्छे फील्ड में गिरे तो वो क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं और ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ ताजमहल, ताजमहल के बारे में हम पढ़ेंगे। द ताजमहल एट आगरा नियर दिल्ली इज़ अ ब्यूटिफुल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल। ओके, जो ताजमहल एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो, ताजमहल जो है जब वो अच्छे स्टेट में था, जब एसिड रेन नहीं थी तो वो बिल्कुल वाइट, बहुत प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ दिखाई देता था, उसकी बहुत अच्छी चमक थी और बहुत ही ब्यूटिफुल है। द एक्सपर्ट हैव वॉर्न्ड दैट एयर पॉल्यूशन अराउंड ताजमहल इज़ डी कलरिंग इट्स वाइट मार्बल, बट जो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ताजमहल के आसपास के एरिया में उसके कारण उसका वाइट कलर जो है वो ख़राब हो रहा है एंड इट इज़ कोरोडिंग स्लोली, दिस पोजेज अ थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। और इसी के कारण जो एसिड रेन होती है, इसी के कारण ताजमहल की ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है। एंड द एसिड प्रेजेंट इन द रेन रिएक्ट्स विद द वाइट मार्बल एंड कोरोड इट स्लोली। ओके, जो एसिड रेन गिर रही है, जो एसिड प्रेजेंट होते हैं रेन में वो रिएक्ट कर जाते हैं वाइट मार्बल के साथ और उसको ख़राब कर रहे हैं। ओके, सो ये जो हमारा ताजमहल है इसकी हमें केस स्टडी पड़ी कि कैसे कैसे एसिड रेन के कारण ये इसकी ब्यूटी जो है ख़राब हो रही है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर नाउ, ताजमहल इज़ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। तो कैसा वो पीला पीला हो गया, पहले एकदम प्योर वाइट था बट एसिड रेन के कारण इट हैज़ बिकम येलोइश इन कलर। ओके, येलो हो गया, वाइट मार्बल जो है उसका रंग चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ ड्यू टू एसिड रेन। ओके, सो आज की क्लास में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था हमें और नेक्स्ट क्लास में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।